हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा परमेश्वर ने, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का है जीवन परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन नहीं जो दो दिन का है, तीन दिन का है, चार दिन का है, पांच दिन का है, दस साल का है, बीस साल का है, हजार साल का है। ऐसा जीवन हमारा परमेश्वर ने नहीं दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है जो कभी नाश नहीं होता है, अजर मिलार मिराज का, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है, अपने खोजियों को दिया है। परमेश्वर ने बहुत प्रेम यीशु मसीह ने किया है हम सभी से। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन अरे उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। अरे सारी जातियों के लोगों, हमारे परमेश्वर के पास आओ, हमारा परमेश्वर आपको विश्राम देगा। ऐसा विश्राम देगा है अल्प विश्वासियों, कपटियों, तुमको क्यों ना देगा। अरे मांगो मांगो, आओ परमेश्वर के पास। यीशु मसीह ने कहा है, ए बोसते दबे मानने वाले लोगों, ए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्ची शांति सिर्फ यीशु मसीह आपको दे सकता है। सच्ची शांति लेने वालों परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु मसीह के खोजने वालों परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु मसीह आपको देगा, परमेश्वर देगा, ऐसा जीवन देगा। हे अल्प विश्वासियों, कपटियों, तुमको क्यों करना पहनाएगा। अरे मांग कर देखो, हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना भला है। अरे परख कर देखो हमारे परमेश्वर को, वो तुमको क्यों ना देगा। अरे लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, संदेह करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शायद परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, शायद मेरी गिल्टियां हैं, रसोलियां पथरिया हैं, रसोलियां हैं, बड़ी बड़ी रसोलियां हैं, शायद मेरी रसोली नहीं जाएगी, शायद परमेश्वर मेरी प्राणों को नहीं सुनता है, शायद परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा। अरे कपटियो, पहले अपने आप को परख कर देखो, मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, अरे मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। अरे परमेश्वर को हमारे दोस्तों, क्योंकि वह सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ देखता है। मनुष्य से सब कुछ छिपाया जा सकता है, परंतु परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। अरे अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, अरे अनंत काल का जीवन देगा। अरे परमेश्वर आपको चंगाई क्यों नहीं देगा। अरे मांगो, आपके मांगने में कमी रहती है, आपके पुकारने में कमी रहती है, आपके जीवन में कमियां रहती हैं। अरे अपने आपको जांचो, परखो कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। बाद में परमेश्वर को दोस्तों। अरे हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, चिंचमाकार करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को दृष्टि देता है। अरे उसने बड़े बड़े काम किए हैं, अरे उसने मुर्दों को जिलाए हैं, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़िया पायजों को शुद्ध किया है, जो बड़े बड़े काम करता है। अरे हमारा परमेश्वर यहोवा जुलावर जो स्वर्ग में विराजमान है, आपके कामों को सफल करेगा। लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शायद परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, मुझे 10 साल से बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, पथरियाँ हो गई हैं, गिल्टियाँ हो गई हैं, बड़ी बड़ी रसोलियाँ हो गई हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अरे अब क्या होगा। अरे परमेश्वर से बोलो बोलो बोलो, मांगो मांगो मांगो, आज मांगने का दिन है, मांगने का दिन है, मांगने का दिन है, देखो परमेश्वर आपको देगा। अरे आपके मांगने में कमी रहती है, अरे आपके जीवन में कमियां होती हैं, अरे आपके जीवन में पाप रहता है, गुनाह रहता है। अरे अपने पापों को तो मानो, गुनाह को तो सामने परमेश्वर के रखो। यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता है, उसका काम कभी सफल नहीं होता है, याद रखना। जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा, उसके पापों को ढापेगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को मिटा दे, गुनाहों को ढाप दे मेरे परमेश्वर, इन सभी के पापों को क्षमा कर दे, और ये जो नहीं हुआ इनके जीवन में अब होगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में यीशु मसीह काम कीजिए, बड़े काम कीजिए, मिराकल कीजिए, बड़े बड़े छुटकारे होने पाए, दुष्ट आत्माएं भागे, जो दुष्ट आत्माएं, अरे गंदी आत्माएं हैं, आपके जीवन से जाएंगी। अरे मांगो, बोलो 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 बोलो, कुड़कुड़ाओ मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उत्तर देगा। अरे मांगो परमेश्वर से,
मांगो। आज लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं और बोलते रहते हैं, हमारे परमेश्वर को दोष देते रहते हैं, अरे परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है, अरे मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, 20 साल से चर्च जा रहा हूँ, मैं तो बचपन से ही मसीह में हूँ। अरे बोलने वालों, अपने जीवन को देख लो कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर चला आएगा, वो स्वर्ग खोल देगा आपके लिए, यदि आपका जीवन पवित्र होगा, यदि आप सच्चे मन से सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, तो आज देख लेना, आज रात हमारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, हमारा परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे करेगा, आपका जीवन बदल देगा। हमारा परमेश्वर रातों रात बदलेगा हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना उंगता है, कभी ना सोता है। अरे अरे बोलो 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 बोलो, मुख खोलते रहो, मुख खोलते रहो, बोलो परमेश्वर से और देखो छुटकारो, छुटकारे को देखोगे, दुष्टों के अंतों को देखोगे। अरे जो आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके विरोध में खड़े हैं, अरे आप दूसरों से बताते हो, अरे परमेश्वर से बोल के तो देखो, परमेश्वर से बोल के तो देखो, परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे बड़े बड़े छुटकारे करता है, परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है, हीलिंग देगा। दुष्ट आत्माओं के जिम्मे ठहर ना सकेंगी, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। अरे यरदन नदी को चट्टान बना के खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में विराजमान है, अरे आपके कामों को सफल करेगा। अरे आपके बंद काम क्यों नहीं खुलेंगे, आज खुल जाएंगे इस मसीह के नाम से। अरे इस प्रार्थना को सुनना है, अरे विश्वास करोगे तो आज आप देख लेना आपके जीवन कैसे बड़े काम होते हैं, कैसे आपके बंधन खुलते हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं जाती हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। अरे हमारे परमेश्वर से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, दुष्ट आत्मा तरताती हैं। अरे उस परमेश्वर से बोलो, मनुष्य के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हमारा बाप वो देगा आपको। अरे क्यों नहीं देगा, आपके मांगने में कमियां रहती हैं, बोलने में कमियां रहती हैं, यहाँ पर लोग ऐसे होते हैं, कि वे संदेह कर लेते हैं, वे सोचते रहते हैं शायद परमेश्वर हमारी प्राणों को नहीं सुनेगा, शायद मैंने परमेश्वर से मांगा है, शायद प्रभु हमारी प्राणों को नहीं सुना होगा, शायद प्रभु प्राणों को तो सुना है, शायद मुझे देगा कि नहीं देगा। अरे कपटियों, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य संदेह करता है वह समुद्र की लहर के बराबर होता है, जितनी तेजी से उछलती है उतनी तेजी से वह चली जाती है, उसी प्रकार से संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय संदेह करता रहता है, वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे बंद कर दो संदेह करना और उस परमेश्वर की ओर ध्यान दो। अरे देखो देखो देखो, परमेश्वर मिराकल करेगा। अरे देखो आमीन बोलो और देखो छुटकारों को आप नजदीक देखोगे। अरे हमारा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़ के चला आएगा, जो यहोवा जुलाखुद वास्तव में परमेश्वर है। अरे वो जिंदा परमेश्वर है। अरे बोलते रहते हैं लोग, अरे तेरा परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा पाया, अरे तो तेरे को क्या बचाएगा। अरे परमेश्वर हमारा बचाने नहीं आया था, वो जीवन देने आया था, जीवन देने आया था। अपनी इच्छाओं को जरूरतों को यीशु मसीह से बोलेंगे, समस्याओं को परमेश्वर से बताएंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, आमीन बोलेंगे, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त इस प्रार्थना को हमारे मसीह भवन फोन पे सुन रहे हैं, पूरे विश्वास से सुन रहे हैं पिता, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट चुके हैं, जो कर्जों में हैं, बोझ में दबे हैं, चिंताओं में हैं, आज आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बीमारियां जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, पतरिया पर, गिल्टियां पर, रसोलियां पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ट्यूमर बार बार बार, रसोलिया बार, बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए स्वर्ग से, जिन बहनों की कोखे बंद पड़ी हैं, कोखे कुल जाए कोखे आज यीशु मसीह के नाम से, कमांड करता हूँ, हुक्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बंद कोखे खुल जाए, अए दुष्ट आत्माओं, अए गंदी आत्माओं, बच्चे की आशीष चुराने वाली गंदी आत्माओं, छोड़ और भाग यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बीमारियां डालने वाली दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कमांड कहता हूँ, हुक्म करता हूँ, ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ गंदी आत्माओं, जोड़ भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग यीशु मसीह के नाम से, ये भाई बहन आजाद हो जाए, आजाद होना, आजाद हो जाए, यू आर ही इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर ही इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, इस नासिर के नाम से, आज बड़े छुटकारे होंगे, आज बड़े बड़े काम होंगे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, जो गरीब है, जो कंगाल है पिता, जो कर्ज में बोझ में दबे हैं, ऐ कर्ज डालने वाली गंदी आत्माओं, ऐ गंदी आत्माओं, भाग जाओ इनके जीवन से,
जीसस आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। हमारा परमेश्वर जो यरदन नदी को चट्टान बना के खड़ा कर रहा, परमेश्वर खुद यहोवा जुलाहोर जो आपके लिए मार्ग खोल देगा, मार्ग खोल देगा। आजाद हो जाओगे, आज आप सेम नहीं रहोगे, आज आप बदलोगे, आपका घराना बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। अरे चंगे हो जाओ, अरे चंगे हो जाओ, आज मेरे यीशु के पास आओगे, आज हमारा यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। ए सारी जातियों के लोगों, ए सारी जातियों के लोगों, अंधकार में डूबे हो लोगों, अरे आ जाओ हमारे परमेश्वर के पास। अरे परमेश्वर आपको जीवन देगा, नया जीवन देगा, आपको क्यों न देगा। मांगो, मांगो। लोग पत्थरों में, गलियों में ढूंढते हैं परमेश्वर को। अरे गलियों में ढूंढते हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं, सर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, कोई परमेश्वर नहीं है। अरे अरे यीशु मसीह के पास आओ, जो परमेश्वर जिंदा बैठा है स्वर्ग में, वो आपके कामों को सफल करेगा, कामों को सफल कर देगा आज। अरे सफल करेगा हमारा परमेश्वर, आपको क्यों नहीं सफल करेगा। आपके बंद काम खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। जो दुष्ट आत्माएं घर में लड़ाई झगड़ा डालती हैं, ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ गंदी आत्माओं, भाग यीशु मसीह के नाम से। लड़ाई झगड़े डालने गंदी आत्माएं, भाग यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। ऐ गंदी आत्माओं, लड़ाई टालने वाली गंदी आत्माओं, मैं स्वर्ग से उस परमेश्वर से विनती करके हुक्म करता हूँ, मेरे अंदर से अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है, अभिषेक आपके अंदर आएगा, अभिषेक से बंधन टूट जाएंगे, आज लड़ाई झगड़े के बंधन चल जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जो मसीह भाई बहन रहते में नहीं सो पाते, डलकता भड़कता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तेरे सुख की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास से अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी मैं उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।